नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है मनोज दत्त और कारक प्रकरण का अगला भाग लेकर मैं यहाँ पर उपस्थित हो गया हूँ। कर्म कारक के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। इसमें दो मुख्य रूप से जो मुख्य सूत्र अभी तक आए थे क्रमशः उनको लेकर हम चल रहे हैं, और उनमें से क्रमशः जो सूत्र चले आ रहे थे उनकी व्याख्या करते हुए हम आगे चल रहे हैं। इसके बाद जब सारे सूत्र कंप्लीट हो जाएंगे तो स्पेशली हर कारक से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे, जो क्वेश्चन होंगे और जो शंकाएं होंगे उनके ऊपर भी हम अलग से चर्चा कर लेंगे। फिलहाल हम सूत्र और उनकी जो वृत्तियां हैं, उनकी जो जो व्याख्याएं हैं, उनको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, और उदाहरणों में किस तरह से सूत्र को जो है फॉलो किया जाता है उसको हम समझने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सूत्र है अगला। इसका वाचन किस तरह से होगा? हृक्रोरण्य तरश्याम। ठीक है, इसमें दो धातुएं मुख्य रूप से आई हैं। अच्छा, इससे पहले हम कुछ चीजें अभी तक समझ चुके हैं पिछली वीडियोस में। एक है अण्यंत अवस्था, एक है अण्यंत अवस्था, उसका प्रकरण अभी चला रहा है। अण्यंत का मतलब है णिच प्रत्यय हो जिसके अंत में। ठीक है, ऐसी धातु जिसके अंत में णिच प्रत्यय लगा हो वो हो जाएगी अण्यंत अवस्था। अण्यंत, ठीक है, अवस्था। और जिसके अंत में नहीं लगा हुआ है, धातु है और उसके पीछे तिंग आदि प्रत्यय लगे हुए हैं, ठीक है, तिप्तज आदि, तो वो सीधे अण्यंत अवस्था। जिसमें णिच प्रत्यय नहीं लगा हुआ है तो वो होगी अण्यंत अवस्था। अण्यंत अवस्था जैसे कि करोति माने करता है, और अण्यंत अवस्था जैसे कि कारयति यानी कि करवाता है। ठीक है, करवाने के अर्थ में प्रयोजक होगा, एक प्रयोज्य होगा। प्रयोजक जो होगा वो करवाने वाला होगा, और प्रयोज्य जो होगा उससे का वो उससे काम करवाया जा रहा होगा। ठीक है, खादति माने खाता है, और खादयति, ठीक है, खिलाया जा रहा है। करोति माने करता है, कार्यति माने करवाया जा रहा है। ठीक है, धावति माने दौड़ता है, धावयति माने दौड़ाया जाता है। ठीक है, जो दौड़ाता है तो उसी को उसी अर्थ को बताने के लिए णिच प्रत्यय लगता है, और उसके विषय में हम अच्छी तरह से चर्चा कर चुके हैं पिछली वीडियोज में। तो अभी हम आगे समझते हैं। इसमें सिर्फ यही बताया जा रहा है कि हृक्रो रणव यानी कि हरी और क्री धातु जो है, दो धातुएं हैं हरी और क्री, इन दो धातुओं का प्रयोग जब किसी वाक्य में होगा तो उस वाक्य में इन क्रियाओं का कर्ता जो होगा, ठीक है, जब इन वाक्य सिर्फ इन दो धातुओं का प्रयोग होगा, इनके सिंपल लकारों का प्रयोग होगा, रूपों का प्रयोग होगा, तो उसका कर्ता जो होगा मतलब अण्यंत अवस्था का कर्ता जो होगा, उसकी अण्यंत अवस्था में मतलब जब इन दोनों धातुओं के साथ णिच प्रत्यय लग जाएगा किसी वाक्य में, दोनों धातुओं में ना अलग अलग वाक्यों में हरी धातु कहीं पर यूज की गई हो उसमें णिच प्रत्यय लग जाए, ठीक है, हरति की जगह हारयति हो जाए और करोति की जगह कार्यति हो जाए, तो उनका जो कर्ता होगा अण्यंत अवस्था वाला उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। लेकिन ऑप्शन यह है कि विकल्प से होगी अन्य तरश्याम, एक बार होगी एक बार नहीं होगी, मतलब आप चाहते हैं तो कर लीजिए, कर्म संज्ञा नहीं चाहते हैं तो जिस कारक में वो है उसी कारक में उसको रहने दीजिए। आप उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहले एक वाक्य बनाते हैं, हारयति भृत्यम भृत्येन वा कटम। ठीक है, कटम माने होता है चटाई। ठीक है, अब यहां पर भृत्येन भृत्य के द्वारा चटाई को ढोया जा रहा है। ठीक है, तो हरति इसका सिंपल सेंटेंस होता अण्यंत अवस्था वाला। सिंपल सेंटेंस क्या होता, भृत्यः कटम हरति, जो नौकर है वो चटाई को ले जाता है। ठीक है, और इसका ऋण्यंत अवस्था वाला क्या बन जाएगा, नौकर के द्वारा चटाई को ले जाया जाता है, मतलब किसी के द्वारा उसको लिया जावा जा रहा है। ठीक है, तो वो ऋण्यंत वाली अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नौकर था ये तो साधन बन गया, क्योंकि तो इसको भी किसी और ने आज्ञा दी, तो प्रयोज्य हो गया, प्रयोजक कोई और होगा, और जब इसको ये साधन बन गया तो साधक साधन में तृतीया हो जाती है, करण कारक आ जाता है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन यह है कि यदि हरी धातु में णिच प्रत्यय लगा हो तो इसका जो अण्यंत अवस्था का कर्ता था भृत्य, ईण्यंत अवस्था में आप इसमें कर्म संज्ञा भी कर सकते हैं, और नहीं चाहते तो फिर यहां पर तृतीया तो लग ही रही है उसमें, क्योंकि यहां पर वो जो है साधन बन जाएगा तो कर्म बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको पूरे वाक्य को बोल सकते हैं कि स्वामी भृत्येन हारयति कटम, या स्वामी भृत्यम हारयति कटम, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, स्वामी का मतलब जो मालिक है उसका, वो भृत्य के द्वारा नौकर को, नौकर से जो है चटाई को ढोवाता है, या कार्यति भी हम कर सकते हैं, बनवाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से
जो अण्यंत अवस्था का कर्ता होगा ह्री और क्री धातु का, वो अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा उसकी हम कर सकते हैं, लेकिन विकल्प से करेंगे। हम चाहते हैं तो कर लें और नहीं चाहते तो ना करें, हमारी इच्छा के ऊपर, मतलब हमारी का मतलब वक्ता की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, अभी वादी दशो आत्मने पदे वे वेति वाच्यम, ये वार्तिक है, कात्यायन की तरह रचा गया है। अब इसमें कह रहे हैं दो धातुएं हैं, एक तो वद धातु है, एक दृश्य धातु है, अभिवादी दृशो है, दृश्य धातु है। अब कंडीशन यह है कि यदि वद धातु के पहले अभी उपसर्ग लगा हो, ठीक है, किसी वाक्य में वद धातु जो है क्रिया के रूप में आई हो, वदति, ठीक है, और उसमें निच प्रत्यय लग गया हो, ठीक है, तो वहां पर भी वद धातु प्लस निच प्रत्यय, अगर ऐसा प्रयोग कहीं पर हुआ है तो वहां पर भी इसका जो अण्यंत अवस्था अगर करता होगा उसकी अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार दृश्य धातु का, लेकिन कंडीशन क्या है, आत्मनेपद, आत्मनेपद का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, अब वो क्या है उसको भी समझेंगे। उसी प्रकार दृश्य धातु में, यदि णिज प्रत्यय लगा है और ये दोनों आत्मनेपद के रूप हैं, तो इनका जो अण्यंत अवस्था का कर्ता होगा उसकी अण्यंत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं, कह रहे हैं अभिवादयते देवम भक्तम और भक्ते नवा, विकल्प से होगा, आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप नहीं चाहते तो आपकी विवक्षा है, बोलने की इच्छा पर निर्भर करता है। अब ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो हमने सूत्र पढ़ा था गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्म अकर्मकाणाम अनिकर्ता सणो, उसमें जो धातुएं या कुछ प्रयोग या ऐसे समाज में कुछ चीजें जो बोली जाती रही होंगी और पाणिनि के नजर में बाद में आई होंगी, या फिर उस सूत्र में उतना ही उन्होंने देना जो है मुनासिब समझा होगा, तो वहां पर जो धातुएं नहीं दी गई हैं उनका विशेष रूप से अब इन सूत्रों के माध्यम से जो है उनको दर्शाया जा रहा है। ठीक है, उसमें गत्यर्थक धातुएं थी, बुद्ध्यर्थक धातुएं थी, प्रत्यवसानार्थक धातुएं थी। अब इसके अलावा जो अलग अलग धातुएं बच गई, विशेष जो बच गया, स्पेशली जो धातुएं बच गई उनको यहाँ पर बताया जा रहा है, उनमें से ह्री और क्री धातु बताई अभी, उसके बाद वद धातु है, लेकिन वद धातु का प्रयोग, वद धातु के प्रयोग में ण्यंत अवस्था में तभी कर्म संज्ञा होगी जब वो आत्मनेपद का प्रयोग होगा और उससे पहले अभी उपसर्ग लगा होगा। उसी प्रकार दृश्य धातु के प्रयोग में भी निच प्रत्यय लगा ही हो, ण्यंत अवस्था हो और आत्मनेपद का प्रयोग हो, ठीक है, तो ही जाके इनके अण्यंत अवस्था के कर्ता की कर्म संज्ञा आप विकल्प से कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन हो सकता है कि आप चाहें या न चाहें। अब क्योंकि उस समय पर संस्कृत भाषा ही हम कह सकते हैं कि बोली जाती थी, ठीक है, सर्व सामान्य के द्वारा बोली जाती थी ये तो हम नहीं कह सकते, सभी लोग बोलते थे ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि संस्कृत जो है एक बहुत, अगर कहने अगर हम ये कह सकते हैं कि क्लिष्ट भाषा थी, तो समाज जो है जो जिसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है उस समय पर हम देख रहे हैं, या जिसको जो पूजा पाठ आदि करने का अधिकार नहीं है, ब्राह्मणों पर आश्रित है कि वो आएंगे, और ब्राह्मणों को ही संस्कृत बोलने का अधिकार है, मतलब उच्च वर्ग को ही संस्कृत बोलने का अधिकार है, तो वहां पर हम ये समझते हैं कि उनके लिए ही ये भाषा जो है आसानी से उपलब्ध हो पाती होगी। सामान्य वर्ग जो है वो धीरे धीरे अब सरलता की ओर बढ़ रहा होगा। ठीक है, आप उधर का देखेंगे तो इसके बाद अपभ्रंश आ रही है, फिर उसके बाद और दूसरी दूसरी भाषाएं आ रही हैं, ठीक है, सरलता सरलता की ओर बढ़ रही है भाषाएं, और समाज में जो जो प्रचलित भाषा में रही, जो प्रचलित रही होगी जो भाषा, वो प्राकृत रही होगी, ठीक है, उसमें सबसे सरल भाषा, जितना उसका मतलब विकृत रूप हो सकता है, जितना सरल रूप हो सकता है, तो उतना सरल रूप जन सामान्य तो वही अपनाएगा ना, वो क्यों इन नियमों में फंसेगा। आपको एक किसान है वो क्यों इन सूत्रों को याद करेगा, वो तो सरल, जैसे सामने दूसरे वाले किसान को समझ में आ जाए या जैसे खरीदने वाले को समझ में आ जाए वैसे समझाएगा। तो ये भाषा जो है ये उच्च वर्ग के लिए, शासन वर्ग के लिए जो है इसका नियमबद्ध होना बहुत आवश्यक था, ठीक है, ताकि भाषा के कारण किसी भी नियम या किसी भी राजपत्र को पढ़ने में जो है दिक्कत ना हो, एक शुद्ध भाषा होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पर जो है इस इन सूत्रों का प्रयोग किया गया होगा। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, अब बोले तो हम तो चाहते ही नहीं है संस्कृत बोलना, तो वो जरूरी नहीं है, अगर आप एग्जाम देना है तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है। ठीक है, मतलब मैं कर्म संज्ञा में बोल सकता हूँ या करण संज्ञा में भी बोल सकता हूँ, या ऑप्शन किस किस धातुओं में मेरे पास है, हालांकि कभी यूज आपको करना नहीं है ना हमें करना है, तो वही बात है, अभिवादयते दर्शयते देवम वा भक्तेन या भक्तम वा,
मतलब देव के द्वारा भक्तों का दर्शन करवाता है, ठीक है, नहीं देवों का दर्शन करवा रहे हैं भक्तों के द्वारा, कोई करवा रहा है, पुजारी करवा रहे होंगे, तो यहाँ पर भक्तेन, भक्त के द्वारा देवों का दर्शन किया जाता है। दर्शयति आत्मनेपद का प्रयोग है, और देवम जो है ये मुख्य कर्तरीप्सित तमम कर्म से आया हुआ जो कर्म संज्ञा है, वो है मुख्य कर्म है, प्रधान कर्म है, और भक्तेन इसमें है ही, भक्त के द्वारा किया जा रहा है दर्शन, तो इसीलिए इसमें तो मुख्य जो कारक है वो करण कारक है, लेकिन आप नहीं चाहते करण कारक में बोलना, तो यदि आत्मनेपद का प्रयोग है, दृष्ट धातु का प्रयोग है, या फिर वद धातु के आगे अभी उपसर्ग का प्रयोग है, आत्मनेपद है, तो आप उसको कर्म संज्ञा में भी बोल सकते हैं, देवम भी नि भक्तम भी आप उसको कह सकते हैं, ठीक है, भक्तम भक्ते निवा दोनों ऑप्शन आपके पास है। तो इस तरह से ऋक्रोर्णेतरेषां सूत्र में हमने चार धातुओं के बारे में समझा, ह्री क्री वद धातु और दृश्य धातु। अगले सूत्र पर चलते हैं, कह रहे अधिशिंग स्थासाम कर्म। अब यहां पर तीन धातुएं हैं, एक तो है शी धातु, एक है स्था धातु और एक है आस धातु, ठीक है, इसका मतलब सोना होता है, इसका मतलब स्थित होना, इसका मतलब होता है बैठना। अब इन तीनों धातुओं के पहले कभी कहीं पर भी इन तीनों धातुओं का प्रयोग हो और इससे पहले अधि उपसर्ग लग जाए, तो इन धातु का मतलब क्रिया, इन क्रियाओं का जो आधार होगा, मतलब इन धातुओं का प्रयोग, इन क्रियाओं का प्रयोग जिस वाक्य में हो रहा होगा और उस वाक्य में अधिकरण संज्ञा जिस शब्द की होगी, आधार जो होगा उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं, शी धातु का जो उदाहरण है वह अधिशेते, स्था धातु का उदाहरण है अधितिष्ठति, इन सब के आगे अधि उपसर्ग लगाया देखिए, और आस धातु का प्रयोग है अध्यास्ते, अधिशेते वैकुंठम हरि। अब हरि जो है वैकुंठ में सो रहे हैं, तो वैकुंठ आधार हो गया, वैकुंठ में सो रहे हैं, लेकिन शी धातु के आगे अधि उपसर्ग का प्रयोग है, तो इनके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी और इसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। उसी प्रकार स्था धातु का प्रयोग है, लेकिन अधि उपसर्ग आगे लगा हुआ है, तो अधितिष्ठति वैकुंठम हरि, वैकुंठ में हरि बैठते हैं, ठीक है, तो वही हो जाएगा, आधार वैकुंठ है, वैकुंठ में बैठ रहे हैं, तो वैकुंठ की कर्म संज्ञा हो जाएगी। उसी प्रकार अध्यास्ते, इसका मतलब भी वही है कि वैकुंठ महारी बैठते हैं, स्थित होते हैं, तो वहां पर भी उनका आधार वैकुंठ है और वैकुंठ की कर्म संज्ञा हो जाएगी, और इस प्रकार इसमें हो जाएगी द्वितीय विभक्ति। ये आधार था, अधिकरण संज्ञा इसकी होनी चाहिए थी, लेकिन शी धातु के प्रयोग में, स्था धातु के प्रयोग में, आस धातु के प्रयोग में यदि इनसे पहले अधि उपसर्ग लगता है, अधि शी स्था आसाम, इन धातुओं के पहले यदि अधि उपसर्ग लगता है तो इनके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं, कह रहे अभिनिविशश्च, ठीक है, अब यहां पर भी तीन धातुएं हैं, मुख्य रूप से एक ही धातु है विष धातु। कंडीशन यह है कि इससे पहले दो उपसर्ग होने चाहिए और दोनों साथ साथ होने चाहिए, यानी कि एक बार अभी उपसर्ग लगा हो, एक बार नि उपसर्ग लगा हो, ऐसा नहीं हो, पहले अभी उपसर्ग लगा हो, अभी के साथ साथ नि उपसर्ग लगा हो, और फिर इसके बाद विष धातु का प्रयोग किया हो, ठीक है, तो इन इस धातु के प्रयोग में इस क्रिया का जो आधार होगा उस आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। अभी नि इत्येतत् संघात पूर्वश, संघात का मतलब इन दोनों का एक साथ समूह यहां पर होना चाहिए पूर्व में, तो उसके बाद यदि विष धातु का प्रयोग होगा तो उसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, अभिनिविशते सन्मार्गम, ये इसका उदाहरण है, ठीक है, सन्मार्ग पर लाता है या सन्मार्ग पर चलता है, ठीक है, तो इस प्रकार से सन्मार्गम, यहां पर सन्मार्ग पर चलता है या सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, तो सन्मार्ग पर अधिकरण होना चाहिए था, ठीक है, आधार जो है वो मार्ग, जो सन्मार्ग जो है वो आधार है, आधार के कारण इसमें अधिकरण होना चाहिए था, सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि उससे पहले अभी और नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु लगी हुई है तो इसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, तो अभिनिविशते सन्मार्गम। अब यहाँ पर एक चीज इन्होंने बड़ी अच्छी बताई है, देखिए दो प्रकार से कोई भी चीज फॉलो होती है,
यदि कोई चीज यस के फॉर्म में आ रही है, ठीक है, यस हाँ, तो उसे कहते हैं संस्कृत में या शास्त्रों में विधि वाक्य या विधिमुख, विधिमुख। ठीक है, जैसे हम कहें कि सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चर, ठीक है, ये इस तरह से ये हो गया विधिमुख। विधि का मतलब ऐसा करना है। और यदि हम बोले नहीं करना है तो उसे कहेंगे निषेध मुख, निषेध मुख कहते हैं उसको। ठीक है, जैसे जैसे हम कह सकते हैं हिंसा मा कुरु, मा माने नहीं, हिंसा माने हिंसा, कुरु माने करो, हिंसा मत करो, तो ये हो गया निषेध मुख। निषेध मुख से प्रवृत्ति कराना, चाहे तुम लोगों को ऐसे सुधार लो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसे सुधार लो, चाहे तुम ऐसा कहें कि सुधार लो मना करके कि झूठ मत बोलो, चाहे ये बोलो कि सत्य बोलो, चाहे बोलो झूठ मत बोलो, आपको काम एक ही है कि उनसे आपको उन गलत काम रुकवाना है उनसे, ठीक है, झूठ नहीं बुलवाना है। तो ये हो गया विधिमुख, यदि आप अच्छी मतलब पॉजिटिव से उसे कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है, तो उसको आप क्या कहेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस नहीं, गलत सामान्य वाक्य में बोलते हैं तो उसको हम विधिमुख कहेंगे, और उसको नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे तो निषेधमुख हो जाएगा। तो वही यहाँ पर है, ये जो धातु का प्रयोग यहाँ पर कह रहे हैं अभिनिविशते, इनका दोनों में ही प्रयोग किया जाता है, विधिमुख में भी और निषेधमुख में भी। अब जैसे सन्मार्गम, अच्छे मार्ग पर चलाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो वहां पर तो इसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, यदि विधिमुख होगा, ठीक है, यस के सेंस में होगा, ऐसा करो, ऐसा करो, ये करना चाहिए, इसके सेंस में होगा, तो इसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी। और यदि निषेध मुख में होगा, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इसके आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी। जैसे पापे अभिनिवेश है, ठीक है, और इसी विधि मुख और निषेध मुख को क्या बोलते हैं, व्यवस्थित विभाषा, व्यवस्थित विभाषा, ठीक है, विभाषा का मतलब कहीं पर प्रवृत्त होना नियम का, कहीं पर नहीं होना, ठीक है, कहीं पर हाँ करना, कहीं पर मना करना, कहीं पर न तो हाँ करना न मना करना, तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उनको विभाषा कहते हैं। क्वचित विभा क्या है वो, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव विधेर विधानम बहुधा वदन्ति, इस तरह से कारिका है, चतुर्विधम बाहुलकम, इस तरह का एक कारिका है, उसमें विभाषा की परिभाषा दे रखी है। तो व्यवस्थित विभाषा उसी को कहेंगे जहां पर विधि मुख से और निषेध मुख की बात कही गई होगी, और इसी विभाषा का आश्रय लेकर के कहीं कहीं पर यह सूत्र प्रवृत्त होता है और कहीं कहीं पर क्वचित न, कहीं पर नहीं भी प्रयोग होता है। जैसे पापे अभिनिवेश है, अब पाप के मार्ग पर चलते हैं तो वहां पर इसके इसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी, पाप को अपना हम कर्म नहीं बना सकते, तो इसीलिए यहाँ पर पाप का जो इस अभि और नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु का प्रयोग जहां पर किया गया है उसके आधार की कर्म संज्ञा इन्होंने नहीं की, क्योंकि पाप में प्रवृत्ति कराना किसी भी शास्त्र का, किसी भी व्याकरण का, ग्रंथ का जो है उद्देश्य या जो है उद्देश्य नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता, ठीक है, उसका लक्ष्य नहीं हो सकता। इसीलिए सन्मार्ग में जब हम प्रवृत्त करा रहे होंगे अभी और नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु का प्रयोग करके, तो वहां पर उसके आधार की कर्म संज्ञा कर सकते हैं, लेकिन यदि हम पाप में या निषेध मुख से किसी में प्रवृत्त करा रहे होंगे अभी और नि उपसर्ग पूर्वक विष धातु का प्रयोग करके, तो वहां पर उसकी कर्म संज्ञा नहीं होगी। ये व्यवस्थित विभाषा का आश्रय हमने इसमें लिया। और एक है इति सूत्रात, एक शब्द यहाँ पर और आया है, संस्कृत में न्याय बहुत चलते हैं शास्त्रों में, अनेक प्रकार के न्याय चलते हैं, तो उसी प्रकार का एक न्याय यहाँ पर है, मंडूक प्लुत्या अन्य तरश्याम ग्रहणम अनुवर्त्य। मंडूक प्लुत्या एक न्याय है, न्याय का मतलब है कि नियम, एक तरह से हम कह सकते हैं उस नियम के आधार पर, ठीक है। तो ये जो मंडूक प्लुत्या न्याय है, इसमें क्या है कि संस्कृत में क्या होता है कि मतलब व्याकरण जो पाणिनीय अष्टाध्याय है इसमें क्या है कि अनुवृत्ति आती है, ठीक है, मान लीजिए पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है, ऐसा है नहीं लेकिन मैं आपको उदाहरण के लिए मान लीजिए ऐसा है, तो यहाँ पर जो बात कह रही होगी इस पहले सूत्र में तो वो दूसरे सूत्र में नहीं कहेंगे, बहुत जरूरी नहीं होगा तो नहीं कहेंगे, यहीं से इस जिन शब्दों की आवश्यकता हम होगी उसकी अनुवृत्ति यहाँ पर ले ली जाएगी, और फिर वही अनुवृत्ति यहाँ भी आती चलेगी। अनुवृत्ति का मतलब जो पद हमें ऊपर वाले सूत्र से चाहिए वो हम ले लेंगे, ठीक है। और एक तो ये बात होगी, दूसरी बात यह होगी कि मान लीजिए हमें
यहाँ कोई पद है, कोई शब्द का प्रयोग किया गया है, पहले अध्याय के पहले पद के पहले सूत्र में किसी शब्द का प्रयोग किया गया है, और इसी सूत्र में आए हुए एक शब्द की आवश्यकता हमें है यहाँ 10वें सूत्र में, ठीक है, 10वें सूत्र में है, ठीक है। तो इसी तो हम यहाँ पर उस बात को दोबारा ना कह के उस वहीं से हमने वो बात को ले लिया, उस शब्द को ले लिया, तो इसे कहते हैं मंडूक प्लुत न्याय। मंडूक जिस प्रकार से उछल के यहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक है, एक लंबी गैप को ले लेता है, एक लंबी छलांग मार के एक बहुत बड़े स्पेस को कवर कर लेता है, उसी प्रकार यहाँ से एक शब्द उठ कर आया और मंडूक प्लुत न्याय यहाँ से उठ कर आया, और मंडूक प्लुत न्याय के आधार पर उसने बहुत बीच के सभी सूत्रों को छोड़ता हुआ एक दूसरे सूत्र में अपनी जगह बना ली उस शब्द ने, तो इसे कहते हैं मंडूक प्लुत न्याय, ठीक है। हालांकि नियम यह है कि अनुवृत्ति कंटिन्यू होती रहे, ठीक है, अधिकार की तरह होती रहे, लेकिन यदि ऐसा हो जाता है तो ये भी एक्सेप्टेबल है और इसको मंडूक प्लुत न्याय से यहीं पर एक्सेप्ट किया गया है। तो यहाँ पर भी एक सूत्र है परिक्रेणे संप्रदान, इस तरह से कोई सूत्र है, और वहीं से अन्यतरिष्याम, परिक्रेणे संप्रदान अन्यतरिष्याम, इस तरह से कोई सूत्र होगा, तो उस सूत्र में अन्यतरिष्याम एक शब्द आया है और उस शब्द को जो है बीच में उस सारे सूत्रों को छोड़ते हुए उस शब्द को यहीं पर ले लिया गया, तो अभिनिवेशश्च अन्यतरिष्याम नहीं कहा, सीधे यहाँ पर कह दिया अभिनिवेशश्च बस, और अन्यतरिष्याम जो है ऊपर से ले आए मंडूक का प्रतिन्याय के आधार पर। तो इस तरह से व्यवस्थित विभाषा का आश्रय लिया और कहीं पर इसको प्रवृत्त कराया, जैसे कि अभिनिवेशते सन्मार्गम, और कहीं पर इसका प्रवृत्त नहीं भी कराया, जहां पर निषेधमुख होगा वहां पर इसका प्रवृत्ति नहीं कराया, जैसे कि पापे अभिनिवेश है, यहां पर भी अभि उपसर्ग है, नी उपसर्ग के साथ विष धातु का प्रयोग है, लेकिन इसके आधार की कर्म संज्ञा नहीं हुई क्योंकि निषेध मुख से था इसीलिए, ठीक है, व्यवस्थित भाषा के आधार पर। तो प्रश्न यदि आते हैं तो इन शब्दों को आपको, इनका अर्थ आपको पता होना चाहिए, या शब्द आपके लिए चार ऑप्शंस में से नए नहीं होने चाहिए। तो यदि हर एक शब्द का मतलब आप समझते हैं, व्यवस्थित भाषा क्या है, पापे अभिनिवेश में क्यों नहीं हुआ, ठीक है, मंडूक प्लुत न्याय का प्रयोग किस सूत्र में किया गया है, तो आपके लिए आसानी होगी, ये छोटे छोटे क्वेश्चन यदि हम समझ जाएंगे। तो इसी कड़ी में अगला जो सूत्र है वो है उपान मध्यांग वस है। अब इसमें मुख्य रूप से चार धातुएं हैं, धातुएं नहीं चार उपसर्ग हैं, एक है उप उपसर्ग, फिर है अनु उपसर्ग, फिर है अधि उपसर्ग और एक है आ, और इन उपसर्गों के साथ मतलब इनमें से किसी एक के साथ भी यदि लगी हो वस धातु तो क्या होगा, तो उस धातु मतलब उस क्रिया के आधार का आधार की कर्म संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। मतलब वस धातु के साथ यदि उप उपसर्ग लगा हो या अनु उपसर्ग लगा हो या अधि उपसर्ग लगा हो या आ उपसर्ग लगा हो, तो उस वाक्य में उस वस धातु जो वस क्रिया है वसति, ठीक है, उस क्रिया का जो आधार होगा उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, पहले कह रहे हैं कि उपाधि पूर्वस्य, यदि उप अनु अधि और आ ये जो उपसर्ग हैं इनके पूर्व में रहने पर वस धातु का जो आधार होगा उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। कर्म संज्ञा होने का मतलब ये द्वितीया हो जाएगी, ठीक है, जैसे उपवसति वैकुंठम हरि। अब हरि जो है ये करता है, ठीक है, और वैकुंठ मैं क्योंकि बैठ रहे हैं तो वैकुंठ आधार हो गया, ठीक है, जहां पर आधार जहां पर बैठा जाता है, मैं पेपर इन अर्थों में जो है अधिकरण जो है कारक होता है और उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है, तो वैकुंठ मैं हरि बैठते हैं तो वैकुंठ में अधिकरण कारक होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहां पर वस धातु से पहले उप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है तो इसलिए इसका जो आधार होगा वो कर्म संज्ञक हो जाएगा और द्वितीय उसमें लग जाएगी। उसी प्रकार अनुवसति अधिवसति आवसति, ठीक है, तो इसका मतलब इन धातु इन उपसर्गों के पूर्व में रहते वस धातु का जो आधार होगा उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। इन सब का मतलब एक तरह से एक जैसा ही है। अभी आगे हम समझते हैं, विशेष बात इसमें यह है जहां से प्रश्न बनता है वो यह है कि अभुक्त्यर्थस्य न, ये एक वार्तिक है। अब देखिए वस धातु है, इसके आगे हमने उप उपसर्ग लगा दिया, उप का अर्थ होता है समीप, निकटता, ठीक है, समीप, तो वैकुंठ के समीप रहते हैं यदि हम बोलेंगे तो भी उसका वही अर्थ होगा, वैकुंठ के समीप रहते हैं तो उपवसति, उप उपसर्ग के साथ वस धातु का प्रयोग है तो आधार की जो है कर्म संज्ञा हो जाएगी। लेकिन उप और वस जब मिलते हैं तो एक नया शब्द भी बन जाता है और इसका मतलब क्या हो जाता है, उपवास,
यानी कि व्रत, भूखा रहना एक तरह से, भूखा रहना। तो जिस वाक्य में उपवास अर्थ को बताने के लिए उप उपसर्ग के साथ वस धातु लगी होगी, ठीक है, भूखे रहने के सेंस में यदि जो है वस धातु के साथ उप उपसर्ग लगा होगा, तो वहां पर उसके आधार की कर्म संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, अद्य मम उपवास अस्ति, यहां पर भी वस धातु के साथ उप उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन यहां पर इसके आधार की उपसर्ग, इसमें खैर आधार है ही नहीं, तो अगर होता तो उसकी कर्म संज्ञा होती नहीं होती। ठीक है, जहां पर रहने के सेंस में वस माने रहना, वसति, उसके अर्थ में उप उपसर्ग पहले लगा होगा, निकट रहने के अर्थ में, वहीं पर उसके आधार की कर्म संज्ञा होगी। अब उदाहरण के लिए इन्होंने यहां पर दिया वने उपवसति, अब यहां पर भी वस धातु का प्रयोग है और उप उपसर्ग इसके पहले लगा हुआ है, लेकिन ये सेंस रहने के अर्थ में नहीं है, यह है वन में रहकर उपवास करता है, वन में रहकर व्रत करता है, ठीक है, भूखे रहता है। तो उपवास करने के अर्थ में यहां पर उप उपसर्ग के साथ वस धातु लगी हुई है, इसलिए वन जो था यह आधार था और इसकी कर्म संज्ञा नहीं हुई और इसमें अधिकरण ही रहा। बात समझ में आई? उप उपसर्ग के साथ वस धातु का एक छोटा सा नियम है कि भूखे रहने के अर्थ में, उपवास के अर्थ में आएगा तो कर्म संज्ञा नहीं होगी, और यदि रहने के अर्थ में खाली आएगा तो वहां पर कर्म संज्ञा होगी, बाकी उपसर्गों के साथ कोई समस्या नहीं है। अब यहां से ये तो कुछ ऐसी बातें हो गई जो धातु के साथ हमने जानी। अब उपपद विभक्ति का प्रकरण एक तरह से शुरू हो रहा है, जो वार्तिकों के माध्यम से, कारिकाओं के माध्यम से हमें समझने को मिलता है, और वही यहां पर भी बताया जा रहा है। अब कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनके योग में, योग का मतलब जिनके आ जाने से कर्म संज्ञा तो होगी नहीं होगी, लेकिन द्वितीया विभक्ति अपने आप हो जाएगी, उनको देखते ही द्वितीया कर देनी है एक तरह से, ये कहना है यहाँ पर, कर्म संज्ञा की आवश्यकता ही नहीं है। जो कहते हैं कि कर्म संज्ञा होगी, कर्म कारक होगा तभी द्वितीया लगेगी, ऐसा नहीं है, ये शब्द अगर दिख जाएंगे तो अपने आप वो जो भी होगा उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, जैसे चार प्रकार से इस वाक्य को समझते हैं, इस कारिका को पहले पढ़ लेते हैं। कह रहे उभ सर्वतसो कार्या धिगुपर्या दिशु त्रिषु द्वितीया द्वितीयामृडितान्तेषु, आमृडित है यहाँ पर ये, ठीक है, द्वितीयामृडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते, ये एक वार्तिक है। चलिए समझते हैं। तद्धित प्रकरण में एक प्रत्यय आता है, तस् प्रत्यय, ठीक है, तसी प्रत्यय, इस तरह से तस् प्रत्यय, तस् का सकर्तृ विसर्ग हो जाता है और बन जाता है तः। आपने शब्द सुना होगा सर्वतः माने चारों ओर, अभितः है माने दोनों ओर, ठीक है, सर्वतः माने सभी ओर, परितः माने चारों ओर। तो इस तरह से जो आपने शब्द सुने होंगे उनके पीछे ये तद्धित प्रत्ययांत तस् प्रत्यय ही लगा होता है। तो वही यहां पर कह रहे हैं कि यदि उभ शब्द है और एक सर्व शब्द है, उभ सर्वतशो, यदि उभ उपसर्ग के बाद या सर्व नहीं, उभ शब्द शब्द के बाद या सर्व शब्द के बाद तस् प्रत्यय लगा हो, यानी कि उभयतः हो या सर्वतः इन शब्दों का प्रयोग हो, तो वहां पर भी इनके जो इनका जो आधार होगा उसकी क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी, या जो भी वहां पर कारक होगा उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार धिक एक शब्द आया है, धिक, धिक्कार है तुम्हें, इस धिक शब्द के योग में भी कर्म संज्ञा हो जाएगी, कर्म संज्ञा नहीं होगी, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। उसी प्रकार उभयता है और सर्वतः के योग में भी द्वितीया विभक्ति होगी, कर्म संज्ञा नहीं होगी, सीधे द्वितीया हो जाएगी। एक आगे है उपर्या दिशु त्रिशु, ठीक है, अब तीन स्थान हम समझ सकते हैं, एक तो है ऊपर तो इसको हम कह सकते हैं ऊपरी, एक है अधि, अधि का मतलब जहां पर हम हैं अभी, प्रेजेंट हैं, या यानी कि बीच में हम कह सकते हैं, और एक है अधः माने नीचे। तो ये क्या हो गए, ऊपर या आदि, ऊपरी आदि, ऊपर ऊपर और मध्य और अंत, ये तीनों को मिला के, अगर हम तीनों का अलग अलग नाम नहीं लिया, इंडिविजुअल नाम नहीं लिया, तो हमने कह दिया ऊपरी आदि। तो इन तीनों का भी जब प्रयोग होगा, ऊपरी अधि है अधः, तो इनके योग में भी, ठीक है, अब यहां पर इनकी कुछ आमृडित संज्ञा हो जाती है, ठीक है, आमृडित अंतेषु, आमृडित संज्ञा तस्य परमामृडितम, कहीं पर द्वित्व होता है, उस प्रकरण को हमें नहीं समझना है, बस हमें यह समझना है कि यहां पर आमृडित संज्ञा है और ऊपरी आदि इन तीनों शब्दों का प्रयोग है, ऊपरी अधि और अधः,
ठीक है, तो इन शब्दों के प्रयोग में भी क्या हो जाता है, द्वितीया विभक्ति हो जाती है, द्वितीया। ठीक है, आमृडित का मतलब क्या है, आमृडित का मतलब है कहीं पर द्वित्व जब होता है तो द्वित्व में जो दूसरा होता है उसकी आमृडित संज्ञा हो जाती है, बस ये हमें समझना है। तो जैसे ऊपर ही शब्द है, अब इसका द्वित्व हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऊपर ही, ऊपर ही संधि हो जाएगी, तो यण संधि हो जाएगी, ऊपर ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आमृडित संज्ञक हो गया, और आमृडित संज्ञक होते ही इसमें क्या लग जाएगा, द्वितीया विभक्ति लग जाएगी, जिस जिस जिसके लिए भी ये शब्द आया हुआ है वहां पर। ठीक है, उसी प्रकार ततो अन्यत्रापि दृश्यते का मतलब है कि इसके अलावा और भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर हमें, जिन शब्दों के योग में हमें द्वितीया विभक्ति देखने को मिलती है। ठीक है, अब पहले इन तीनों को ही समझ लेते हैं, उभ, सर्व, ठीक है, उभयतः, सर्वतः, इनको, और धिक शब्द को, और ऊपर याद, इन तीनों को जो आमृडित संज्ञक है इनको समझ लेते हैं, इनके उदाहरणों को समझते हैं। सबसे पहले उभयतः का और सर्वतः का। अब उभयतः कृष्णम गोपाह, गोपाह माने गोपियां जो हैं, या जो गोपालक हैं, जो गाय चराते हैं, गोपाल उन्हें कहते हैं, उनके दोनों ओर कृष्ण हैं। अब कृष्ण यहां पर क्या है, कृष्ण है प्रथमा होनी चाहिए थी, प्रातिपदिक अर्थ है, ठीक है, लेकिन उभयतः शब्द का प्रयोग है तो जो उनके बीच में है उसकी कर्म उसकी उसमें जो है द्वितीया विभक्ति लग जाएगी, तो क्या बन जाएगा, उभयतः कृष्णम गोपाह। उसी प्रकार सर्वतः कृष्णम गोपाह, ये भी हम कह सकते हैं, गोपा या सर्वतः कृष्णम, ठीक है, गोपाह, हाँ, गोपालक जो है उनके चारों ओर कृष्ण ही कृष्ण है, ठीक है, कृष्ण है। तो सर्वत के साथ यहाँ पर भी तह प्रत्यय लगा हुआ है, उभय के साथ यहाँ पर तस प्रत्यय जो है लगा हुआ है, तो सर्वतः और उभयतः के योग में भी जो क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, जिसके साथ वो चीजें लगी हुई हैं, जिनके जिनके लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है, सर्वतः और उभयतः। इसी के साथ धिक शब्द है, धिक माने धिक्कार होना, एक तरह से संस्कृत में अगर आप बोलते हैं अपशब्द जिन्हें कहते हैं, उनमें से ये शब्द आते हैं, धिक, दुष्ट, खल, राक्षस, है ना, वेताल, ये संस्कृत की गालियां हैं। तो ये धिक शब्द है, तो कह रहे हैं धिक कृष्णा भक्तम, जो कृष्ण के भक्त नहीं है उनके लिए धिक्कार है, ठीक है, गाली है उनके लिए, तो कृष्ण के भक्त बनी है इस तरह से यहां पर, या उनके लिए उनका जीवन व्यर्थ है एक तरह से हम कह सकते हैं। तो धिक कृष्णा भक्तम, कृष्ण के जो भक्त नहीं है उनके लिए धिक, तो भक्तम यहां पर भी द्वितीय विभक्ति आई। उसी प्रकार ऊपरी ऊपरी, अब द्वित्व है देखिए, ऊपरी ऊपरी लोकम हरि, ऊपर ऊपर लोक में जो है हरि का वास है, तो ऊपर ऊपर लोक जिसके साथ, लोक के साथ आया है, लोक माने स्थान, तो जितने ऊपर आप जाते रहेंगे उतने ऊपर, जितना ऊपर तक आप जा सकते हैं उतने ऊपर तक हरि है, कृष्ण विष्णु का जो है वास है, तो ऊपरी ऊपरी लोकम हरि। उसी प्रकार अधि अधि लोकम हरि, जितना नीचे आप जाएंगे उतना भी हरि ही है, ठीक है, अधो अधो लोकम हरि, अभी जितना नीचे आप जाएंगे वहां पर भी हरी ही है, और जहां पर अभी आप हैं वहां पर भी हरी ही है। देखिए, अब आप बोलेंगे ये तो एक तरह से मिशनरियों वाला काम हो गया, ठीक है, तो ऐसा है नहीं, दरअसल उस समय पर सिर्फ आपको नियम बताना ही जो है आपका लक्ष्य नहीं होता था, एक तरह से आध्यात्मिक भावनाएं भी इन चीजों से जुड़ी होती थी। ठीक है, तो आध्यात्मिक भावनाएं इनसे जुड़ी होती थी, तो सामान्य वर्ग को किस तरह इसकी ओर खींचना है, तो वो भी प्रयोग शास्त्रों में देखे जाते थे, और जो कुलीन वर्ग है, ठीक है, वो यदि मद में डूबा हुआ है तो उसके मुंह से किस प्रकार, उसको किस प्रकार से आध्यात्मिक की ओर मोड़ा जाए, तो उसके लिए भी प्रयोग ऐसे किए जाते थे, उदाहरण ऐसे रखे जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर अधो अधो लोकम हरि, उसी प्रकार कुछ शब्द और हैं जिनके योग में द्वितीया बन जाती है, द्वितीया विभक्ति लग जाती है, जैसे अभितः एक शब्द है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अभितः है कृष्णम, कृष्ण के दोनों ओर, उसी तरह परितः है ना, परितः है कृष्णम, परितः माने चारों ओर, कृष्ण के चारों ओर, इन अभितः परितः समया और निकषा, इनका मतलब होता है समीपता, या हा शब्द है या प्रति शब्द है, तो इनके योग में भी, ये वार्तिक कह रहा है कि इनके योग में भी द्वितीया लग जाएगी। ठीक है, उदाहरण के लिए यहां पर दिया है, अभितः कृष्णम, परितः कृष्णम, ग्रामम समया मतलब गांव के निकट, निकषा लंकाम लंका के समीप, ठीक है, हा कृष्ण भक्तम, हा कृष्णा भक्तम,
कृष्ण के जो भक्त नहीं है उनके लिए हाय है एक तरह से। और तस्य सोच्यत इति कार्य, इस तरह से इन शब्दों के योग में भी द्वितीया लग जाती है। ठीक है, आगे करें। बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, भूखे को कुछ नहीं सूझता, ये यहां पर क्यों दिया? तो ये भी यही बताने के लिए दिया गया है कि इस वाक्य में जो प्रतिशब्द आया है, इस प्रतिशब्द के कारण ही, पद के कारण ही यहां पर बुभुक्षित जो शब्द था इसमें द्वितीया हो गई है। ठीक है, तो बुभुक्षितम प्रतिभाति किंचित एक उदाहरण के माध्यम से भी, एक सूक्ति के माध्यम से भी बता दिया। तो इस तरह से उपानवध्यांग वसय सूत्र को हमने समझा। अगला सूत्र है अंतरांतरेण युक्ति। अब इसमें दो शब्द आए हैं, अंतरा और अंतरेण। अंतरा का मतलब होता है मध्य में, और अंतरेण का मतलब होता है बिना, किसी के बिना। अब मध्य में जो होगा वो इन दोनों के मध्य में होगा, तो इन दोनों में द्वितीया हो जाएगी, इसमें तो नहीं होगी। ठीक है, और बिना में, जिसके बिना वो काम नहीं हो रहा है उसमें द्वितीया लग जाएगी। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, अंतरा और अंतरा अंतरिण, इन दो शब्दों का प्रयोग यदि होगा कहीं पर किसी वाक्य में, तो वहां पर द्वितीय विभक्ति लग जाएगी जिसके लिए वो प्रयोग किए जा रहे हैं। आभ्याम योगी द्वितीया साथ, इन दोनों के योग में द्वितीया लग जाती है। जैसे अंतरा त्वाम माम च हरि, मतलब त्वाम तुम्हारे और माम माने मेरे, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। ठीक है, तो जिन दोनों के मध्य में है इन दोनों में द्वितीया लग गई, और हरि जो है उसमें प्रथमा लगेगी। उसी प्रकार अंतरेण हरिम बिना, अंतरेण हरिम न सुखम, तो जिसके बिना के अर्थ में वहां पर प्रयोग किया जा रहा होगा उसमें द्वितीया लग जाएगी। हरिम के बिना, हरि के बिना काम नहीं चल रहा है, हरि के बिना सुख नहीं मिल रहा है, तो हरिम अंतरेण न सुखम, ये इस तरह से हरि में द्वितीया जो है लग जाएगी। होना क्या चाहिए था? हरि के बिना षष्ठी लगनी चाहिए थी, हरे ही अंतरेण होना चाहिए था, लेकिन अंतरेण के योग में द्वितीया लग गई। उसी प्रकार तुम्हारे और मेरे बीच में यहाँ पर सप्तमी लग जानी चाहिए थी। ठीक है, या षष्ठी लग जानी चाहिए थी, तुम्हारा और मेरा, रा रे रिका के, कि इस तरह से यदि आप देखते हैं चिन्हों के प्रयोग के साथ, तो इस तरह से तव मम च मध्ये या अंतरा इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन अंतरा के योग में जो है द्वितीया विभक्ति इनमें लग गई और बना अंतरा त्वाम माम च हरि अंतरेण हरिम न सुखम। उदाहरण आपको यही मिलेंगे अगर मिलेंगे तो। कर्म प्रवचनीयाः, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। अभी इसको अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, कर्म प्रवचनीय शब्द में जो कर्म शब्द आया है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है क्रिया। ठीक है, अब मान लीजिए क्रिया को बताने के लिए धातु रूपों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धातु उसमें प्रत्यय जुड़ेंगे तिपादी, तो उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रि धातु है, तिप प्रत्यय लगा करोति, तो ये क्रिया को बताने के लिए शब्द हुआ। अब कर्म प्रवचनीय का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी वाक्य में दो क्रियाएं हैं। ठीक है, पहली क्रिया यहां पर हुई, फिर दूसरी क्रिया यहां पर हुई, पर इस क्रिया को कहने के लिए हमने किसी धातु रूप का प्रयोग नहीं किया, बल्कि इसकी जगह पर हमने किसी शब्द को रख दिया। ठीक है, हमने किसी धातु रूप का प्रयोग नहीं किया, हमने किसी शब्द का प्रयोग कर दिया इस क्रिया को बताने के लिए, इस कर्म को बताने के लिए। यहां पर कर्म कारक के लिए नहीं आया है, ठीक है, क्रिया को बताने के लिए। ठीक है, उस क्रिया को बताने के लिए हमने धातु रूप आदि का प्रयोग नहीं किया, हमने किसी शब्द का प्रयोग कर दिया। अब ये शब्द कुछ भी हो सकता है, ये उपसर्ग भी हो सकता है, अव्यय भी हो सकता है, निपात भी हो सकता है। ठीक है, ये कुछ भी, ये शब्द कुछ भी हो सकता है। शर्त यह है कि जब एक बार इस उपसर्ग का या अव्यय का या निपात का किसी अन्य शब्द का जिसका प्रयोग हमने इस कर्म को बताने के लिए किया है, उसके बाद इसका उपसर्गत्व तो खत्म हो जाएगा। यानी कि उस शब्द को जब हमने, जब वो शब्द कर्म को बता देगा तो वो क्या हो गया? कर्म प्रवचनीय हो गया, कर्म को बताने वाला हो गया, क्रिया को बताने वाला हो गया, क्योंकि कर्म शब्द का मतलब यहाँ पर क्रिया है, क्रिया को बताने वाला वो शब्द हो गया। और जब कोई शब्द क्रिया को बताने वाला एक बार हो गया, तो भले ही पहले वो उपसर्ग रहा हो, लेकिन अब उसका उपसर्गत्व, उसका अव्ययत्व या उसका निपातत्व आदि जो है वो समाप्त हो जाएगा,
अब वो क्या बन जाएगा, एक नया चीज बन जाएगा, कर्म प्रवचनीय बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए कुछ दूसरी विशेषता ये है कि उपसर्ग जब भी प्रयोग होता है तो उपसर्ग जब भी किसी धातु के साथ लगेगा या किसी, ठीक है, शब्द के साथ लगेगा तो संहिता बहुत आवश्यक होती है वहां पर। संहिता उनकी पहले होनी चाहिए। संहिता का मतलब दो शब्दों की अत्यंत निकटता या दो वर्णों की अत्यंत निकटता, शब्द नहीं, दो वर्णों की अत्यंत निकटता जो होती है वो संहिता कहलाती है। तभी जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा हूं कमल, अब ये तीनों अलग अलग हैं लेकिन जब ये संहिता हो गई, जब ये मिल गए आपस में तो एक अर्थ को बता रहे हैं। तो किसी भी शब्द को बनाने के लिए, किसी भी उपसर्ग को किसी धातु से लगाने के लिए दोनों में संहिता होनी बड़ी आवश्यक है। ठीक है, पर है संकर्ष संहिता एक सूत्र इसके लिए आया है। लेकिन कर्म प्रवचनियों में वो नियम फॉलो नहीं होता। वहां पर आप स्वतंत्र रूप से भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप पहले ही मान लीजिए कोई उपसर्ग है, उप उपसर्ग है, अगर वो कर्म प्रवचनीय हो गया है तो अब उसका उपयोग आप स्वतंत्र रूप से भी कर सकते हैं। अब उसको जरूरी नहीं कि हम किसी के साथ ज्वाइंट होकर ही उसका प्रयोग करें। ठीक है, तो ऐसे कुछ चीजें होती हैं कर्म प्रवचनीय हो जाने के बाद और उपसर्ग होने के बाद जो 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 कार्य होते थे, षत्व होना, संध्या आदि होना या दीर्घ होना, ये होना, तो वो भी बंद हो जाएंगे होने, क्योंकि अब वो चीज वैसी रही नहीं, वो तो कर्म प्रवचनीय बन गई। ठीक है, अब उसका नया रूप हो गया, तो इसलिए कर्म प्रवचनीय एक विशेष चीज है। अब यहां पर जो है कर्म प्रवचनीय जो है एक अधिकार सूत्र है। ठीक है, यहां पर देखो आप इत्यधि कृत्य, इससे आगे कुछ सूत्र आएंगे वहां तक कर्म प्रवचनीय का अधिकार चलेगा, मतलब वो सभी सूत्रों में कर्म प्रवचनीय का ही व्याख्या मिलेगा, उन्हीं का वर्णन आपको मिलेगा, कौन कौन से शब्द कर्म प्रवचनीय होंगे और कर्म प्रवचनीय क्यों करें हम भाई, तो द्वितीया करने के लिए, जो भी शब्द कर्म प्रवचनीय होंगे उनमें द्वितीया हो जाएगी। चलिए आप समझते हैं इसको। तो यहां पर कह रहे हैं एक सूत्र, अगला सूत्र है इसका अनुर्लक्षणे। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपके बाद अनुर्लक्षणे। अब अनु जो है ये एक उपसर्ग है। ठीक है, अनु उपसर्ग है, अनुपस्थित जैसा आपने इसका प्रयोग किया है, यहां पर अनु और उपस्थित के साथ मिलकर आया है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन यदि यह अनुशब्द लक्षण को बताने के लिए अगर आए, ठीक है, मान लीजिए दो क्रियाएं प्रयोग में की, दो किसी वाक्य में दो क्रियाएं आई हुई हैं और इस पहली क्रिया लक्षण है, ठीक है, और दूसरी क्रिया लक्ष्य है, ये लक्ष्य है और पहली क्रिया लक्षण है, तो इस लक्षण को बताने के लिए जब अनु शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो ये अनु शब्द क्या क्या हो जाएगा, कर्म प्रवचनीय हो जाएगा, इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही ये कर्म प्रवचनीय होगा तो गति उपसर्ग संज्ञा अपवाद है, तो उसके बाद अन्य जो संज्ञा इनकी होती थी, गति संज्ञा, उपसर्ग संज्ञा, अनुशब्द की जो उपसर्ग संज्ञा होती थी, है ना, प्रादि प्रादि में आता था ये। ठीक है, प्रपरा आपसम अनु अवनिस निर्दुष, ये जो प्रादीय हैं, प्रादीय है उपसर्ग इनको कहा जाता है, तो उपसर्ग संज्ञा होनी बंद हो जाएगी क्योंकि ये क्या बन गया, कर्म प्रवचनीय बन गया। ठीक है, तो अब इसका उदाहरण जो है वो आगे समझाएंगे आगे आने वाले सूत्रों में। फिलहाल यहां पर हमने यही समझा है कि लक्षण के रूप में, लक्षण को बताने के लिए यदि अनुशब्द का प्रयोग किया गया होगा तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। आगे आने वाले सूत्रों से समझते हैं। एक सूत्र और आया है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। अब ये सूत्र कह रहा है कि जिसकी भी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी उसमें द्वितीया लग जाएगी। ठीक है, जिसके लिए भी वो चीज आई है उसमें द्वितीया लग जाएगी। एतेन योगी द्वितीया स्यात्, जिसके साथ भी कर्म प्रवचनीय आएगा, कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्द आएगा उसमें द्वितीया लग जाएगी। उदाहरण के लिए इन्होंने दिया पर्जन्यो जपम अनु प्रावर्षत। यहाँ पे प्रावर्षत जो है ये क्रिया है और इसका मुख्य, इसका जो अर्थ है वो ये है कि वर्षा जो है वो जप के बाद हुई। ठीक है, मतलब जप शुरू हुआ और खत्म होने से पहले वर्षा हो गई, जप होते ही वर्षा होनी शुरू हो गई, ये इसका अर्थ है। अब यहां पर जप होते ही इस चीज को बताने के लिए, उस क्रिया को बताने के लिए किसी क्रिया या धातु रूप का प्रयोग नहीं किया, किसी लकारों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि जप शब्द के साथ इन्होंने अनु उपसर्ग लगा दिया। उपसर्ग देखो यहां पर बाद में आया है, बाद में इसलिए प्रयोग किया गया है। अब आप ये बोलेंगे उपसर्ग तो पहले लगता है,
अब ये उपसर्ग नहीं रहा, अब ये कर्म प्रवचनीय बन गया है। तो उपसर्ग होने के लिए जो बाध्यता थी कि उपसर्ग पहले ही प्रयोग किया जाएगा, तो उपसर्ग तो इसमें रहा नहीं। और ये जो है किसी और चीज को बताने के लिए आया है, लक्षण को बताने के लिए आया है। लक्षण क्या है? जप है। लक्ष्य क्या है? वर्षा है, बारिश है। जप होते ही बारिश शुरू हो गई, ठीक है। तो जप होते ही उसको बताने के लिए ये जप जो एक क्रिया थी, जो एक कर्म था, उस कर्म को बताने के लिए यहां पर अनुपसर्ग आया है, अनुशब्द आया है। और ये अनुशब्द क्योंकि एक क्रिया को बता रहा है, एक कर्म को बता रहा है, तो ये क्या हो गया? कर्म प्रवचनी हो गया, लक्षण को बताने वाला है। क्योंकि और हमने भी पढ़ा था अनुर्लक्षणे, अनुशब्द जब लक्षण को बताने के लिए आएगा तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होते ही उसमें लग जाएगी, मतलब जिस 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 अर्थ को वो बता रहा है, जिस कर्म को वो बता रहा है, उसमें लग जाएगी द्वितीया। तो जप लक्षण है, और जप लक्षण को अनु शब्द बता रहा है, तो जप में हो गई द्वितीया, तो बन गया जपम। जपम अनु प्रावर्षत, ठीक है। जप के होते ही वर्षा शुरू हो गई। यहां पर हेतुभूत जपोपलक्षितम वर्षणम इत्यर्थ है। यहां पर जप जो है वो हेतु को बताने के लिए, लक्षण को बताने के लिए यहां पर आया है, ठीक है। और जप यहां पर उपलक्षित है, और वर्षणम को लक्ष्य बनाया गया है। मतलब कि जप जो है लक्षण है, वर्षा लक्ष्य है। जप लक्षण को बताने के लिए, कर्म को बताने के लिए अनुशब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए अनुशब्द जो है वो कर्म प्रवचनी हो गया है। और क्योंकि और जिस कर्म को बताने के लिए अनुशब्द का प्रयोग किया गया है उसमें द्वितीया हो जाएगी, क्योंकि कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया सूत्र कहता है कि कर्म प्रवचनीय शब्द जिसके साथ लगा हुआ है उसमें द्वितीया हो जाएगी। तो जपम जप शब्द के साथ, जप कर्म को बताने के लिए, उसके बाद वाली जो क्रिया होगी वर्षा जो होगी, उससे पहले वाली क्रिया को बताने के लिए यहाँ पर अनुशब्द आया हुआ था, इसलिए जप में क्या हो गई? द्वितीया हो गई। क्या बना? जपम अनु प्रावर्षत, ठीक है। अब व्याकरण की दुनिया में एक नियम है कि जो बाद वाला सूत्र होता है, मतलब पहले वाले सूत्र ने कोई कार्य बताया और उसके बाद वाला सूत्र उसके विरुद्ध कोई कार्य बता रहा है, तो हम किसकी माने, ठीक है। तो विप्रतिषेध परम कार्यम, जब दो सूत्र आपस में टकरा रहे हों, ठीक है, तो बाद वाला सूत्र ज्यादा बलवान माना जाएगा। अब यहां पर एक दिक्कत यह है कि यहां पर तो इन्होंने बोल दिया कि जो लक्षण होगा, जो हेतु होगा, ठीक है, हेतुभूत जो होगा उसमें द्वितीया हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो कर्म प्रवचनी है। और बाद में इसके बाद आने वाले सूत्रों में एक सूत्र आता है हेतव, वो कहता है कि हेतव हेतु जहां पर होगा वहां पर तृतीया होती है, जो हेतु होता है, ठीक है। तो क्या करें हम, द्वितीया करें या तृतीया करें? तो इस तरह से यहां पर कह रहे हैं परापि हेतव, बाद में आने वाला जो पर माने बाद में आने वाला जो हेतु है, हेतव सूत्र है, उस सूत्र से जो तृतीया होती है वो इस सूत्र के द्वारा बाधित हो जाती है। मतलब होना ये चाहिए था कि पहले कर्म प्रवचनी युक्ति द्वितीया से द्वितीया जो आ रही है लक्षण होने में, हेतुभूत होने में, ठीक है, यहाँ पर जो जपम में, वो बाद में आने वाले सूत्र हेतु हेतव सूत्र से जो है बाधित हो जाती है, वहां पर तृतीया होने लग जाती है। लेकिन होना ऐसे ही चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद यहां पर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ इस जगह पर। इस जगह पर पहले होने वाले सूत्र ने, पहले आए सूत्र ने बाद वाले सूत्र का काट कर दिया, ठीक है। ये अपवाद एक तरह से हम कह सकते हैं कि नई चीज हमें यहां पर मिल गई। और उसके लिए उन्होंने एक रीजन दिया, कहा कि लक्षणेत्थम्भूताख्यान भाग प्रतिपर्य नवासो, एक सूत्र है इस तरह से, ठीक है। उस सूत्र के द्वारा पहले ही यहाँ पर जो है अनु की जो है कर्म प्रवचनीय संज्ञा जो है यहाँ पर हो चुकी थी, उसके बावजूद, ठीक है, पहले ही एक सूत्र से लक्षणेत्थम्भूताख्यान भाग प्रतिपर्यनिर्वासो सूत्र से अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो चुकी थी, वो सिद्ध हो चुका था। उसके बावजूद फिर से एक सूत्र हमको लाना पड़ा अनुर्लक्षणे, और दोबारा जो है हमें इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा करनी पड़ी। तो इसका मतलब ही ये था, वो दोबारा हमें करना ही इसलिए पड़ा क्योंकि तो पहले से ही सिद्ध को दोबारा से सिद्ध करना जो है ये नहीं देखा जाता है, लेकिन हमको फिर से दोबारा ही करना पड़ा, इसलिए करना पड़ा ताकि बाद में जो सूत्र आ रहा है हेतव वो इसका काट न कर पाए, वो इसको रोक न पाए,
वो तृतीया न कर दे इसमें, ठीक है, वो द्वितीया ही रहने दे। तो इसीलिए जो है यहाँ पर एक नई चीज हुई है कि बाद में आने वाले सूत्र का कार्य पहले आने वाले सूत्र ने रोक दिया है, ठीक है। हालांकि पहले इसकी कर्म उपलब्धि संज्ञा हो चुकी थी, लेकिन अनुलक्षण एक नया सूत्र बनाना पड़ा। इसीलिए बनाना पड़ा क्योंकि हेतव सूत्र उसमें तृतीया न कर दे और उसको रोकने के लिए यहाँ पर अनुलक्षणी सूत्र बनाना पड़ा, ठीक है। सिद्ध पुनः संज्ञा विधानम असामर्थ्यात्, क्योंकि एक बार जो चीज सिद्ध हो चुकी है दोबारा उसको उसी संज्ञा से युक्त करना ऐसा नहीं देखा जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा करना पड़ा क्योंकि बात ही ऐसी कुछ हो गई थी, सामाजिक भाषा के जो है विरुद्ध पाणिनि को लग रहा था, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये विधान किया गया, अनुलक्षणी नया सूत्र बनाया गया और उससे दोबारा से अनु की जो है कर्म प्रवचनी संज्ञा की गई और हेतव सूत्र का बाध किया गया, तृतीया होने से बचा लिया उन्होंने एक तरह से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं तृतीयार्थे। इसका मतलब यह है कि यही अनुशब्द जब तृतीया के साथ आएगा, मतलब तृतीया के अर्थ को बताएगा, अनुशब्द जब तृतीया के अर्थ को बताएगा, तृतीया में भी आप कहां पर लगती है तृतीया, हमने उपपद विभक्ति में आगे पढ़ेंगे कि सह के युग में तृतीया लग जाती है, ठीक है। सह शब्द का प्रयोग जहां पर होगा तो उपपद विभक्ति में हम पढ़ेंगे कि सह शब्द के प्रयोग में तृतीया लग जाती है, तृतीया विभक्ति हो जाती है। तो यही अनु शब्द जब तृतीया के अर्थ को बताने लग जाएगा, मतलब इसी सह शब्द के अर्थ को बताने लग जाएगा, ठीक है। अब सह शब्द जो है वो तृतीया का अर्थ है, ठीक है, तृतीया के अनेक अर्थ हैं, सह भी उतने ही अर्थ है, बालकेन सह, पित्रा सह, ठीक है, माया सह, सह के युग में तृतीया लग जाती है। तो ये अनुशब्द जब सह के अर्थ को, मतलब तृतीया के अर्थ को बताने लग जाएगा तो भी इस अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो ये अनु क्या बन जाएगा, कर्म प्रवचनीय बन जाएगा, और कर्म प्रवचनीय बनते ही क्या हो जाएगी, इसमें द्वितीया लग जाएगी। कर्म प्रवचनी करने का मतलब ही द्वितीय विभक्ति करना है, ठीक है। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, तृतीयार्थे का मतलब तृतीया के अर्थ में जब अनुपसर्ग अनुशब्द का प्रयोग किया जाएगा तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगा और कर्म प्रवचनीय होने के बाद द्वितीय लग जाएगी। कह रहे अस्मिन द्योत्ये अनु उक्त संज्ञा स्यात्, उक्त मतलब जो अभी संज्ञा हमने बताई है कर्म प्रवचनीय संज्ञा, अस्मिन द्योत्ये मतलब तृतीया का अर्थ द्योतित होने पर, तृतीया का अर्थ बताने पर अनुशब्द जो है उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या बोला, नदीम अनु अवसिता सेना, ये इन्होंने उदाहरण दिया, मतलब नदी के साथ सेना लगी हुई है। अब यहां पर अगर सीधे सह शब्द आ जाता तो इसके योग में तो तृतीया होनी ही थी, कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन सह शब्द का प्रयोग न करके यहां पर अनुशब्द का प्रयोग किया और ये अनुशब्द भी सह के अर्थ को ही बता रहा है, नदी के साथ साथ सेना लगी हुई है, ठीक है। कोई सेना युद्ध करने आई हो, ये होगी तो जहां युद्ध करना है उसका दूत बता रहा होगा अपने दरबार में कि भाई नदी के साथ सेना लगी हुई है शत्रु की, ठीक है। तो नदी के साथ इस अर्थ को बताने के लिए, मतलब कि तृतीया के अर्थ को बताने के लिए अनुशब्द का प्रयोग हुआ है, और क्योंकि तृतीया के अर्थ को बताने पर अनुशब्द की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने का मतलब ही है द्वितीय विभक्ति हो जाना, इसीलिए नद्या नद्या नहीं हुआ, तृतीया नहीं लगी नदी शब्द में, बल्कि क्या हुआ, द्वितीया हो गया, नदीम हो गया, क्योंकि इसके यहाँ कर्म प्रवचनीय संज्ञक अनु उपसर्ग लगा हुआ था, ठीक है, अनुशब्द लगा हुआ था, माफ कीजिएगा उपसर्ग नहीं, अनुशब्द लगा हुआ था, और अनुशब्द कर्म प्रवचन यहां पर इसलिए हो गया क्योंकि वो तृतीया के अर्थ को बता रहा था, ठीक है। नद्या सह, इस नद्या सह संबद्धा इति अर्थ है, इस अर्थ को यहां पर ये बता रहा है। अभी अवसिता शब्द कैसे बना इसके बारे में यहां पर ये बता रहे हैं, अब उपसर्ग है इसमें, शिय बंधने धातु है, ठीक है, शिय बंधने धातु है, इसमें क्तौ प्रत्यय लग गया है, निष्ठावाची क्तौ प्रत्यय, तो अवसित शब्द बन गया, अवसित के बाद इसमें टाप लग गया आगे स्त्रीत्व की विवक्षा में, ठीक है, स्त्री प्रत्ययों में से टाप प्रत्यय लग गया और अवसिता बन गया। अवसिता का मतलब क्या है, संबद्धा, संबद्ध जो सेना है, तो इस अर्थ को बताने के लिए यहां पर तृतीयार्थी सूत्र का प्रयोग किया गया, ठीक है। आगे है हीने,
हीने का क्या मतलब है? इसका मतलब भी वही है कि जब अनुशब्द जो है वो हीन अर्थ को बताएगा, अनुशब्द यदि हीन अर्थ को बताएगा तो वो अनुशब्द जो है वो कर्म प्रवचनीय होगा। हमें बस ये जानना है कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा किस किस परिस्थितियों में शब्द हो रहा है। तो वही है हीने द्योत्ये, हीन अर्थ को द्योतित करने पर अनुशब्द जो होगा वो प्रागवत माने कर्म प्रवचनीय संज्ञक हो जाएगा। ठीक है, जैसे अनुहरिम सुराहा, सुराहा माने देवता, देवता जो हैं वो हरि से हीन हो गए। ठीक है, हीन का मतलब उनसे त्यक्त तो हो गए एक तरह से, हरि के देवताओं के बीच में से हरि अगर चले गए तो देवता जो है वो हरि से जो है हीन हो गए। तो उस हीनता को बताने के लिए यहाँ पर अनुशब्द आया है। ठीक है, तो जिसके बिना वो हीन हुए हैं उसमें द्वितीया लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अनुशब्द हीन अर्थ को बताने के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए अनुशब्द क्या हो जाएगा? कर्म प्रवचनीय हो जाएगा, और कर्म प्रवचनीय होने के कारण इसमें लग जाएगी द्वितीया, जिसके बिना वो जिसकी जिससे हीनता दिखा रहा है। ठीक है, तो हरि के बिना देवता हीन हो गए तो हरि में क्या लग जाएगी? अनु के कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने पर द्वितीया लग जाएगी। ठीक है, हरेर हीना इत्यर्थ है, अनुहरिम सुराहा का मतलब क्या है? हरि से हीन। ठीक है, चलिए आगे कह रहे हैं उपोधिकेचो। ठीक है, उपोधिकेचो का मतलब भी वही है, लेकिन यहां पर इन्होंने शब्द बदल दिया है। ठीक है, अभी तक हमारे पास अनुशब्द था, अब इसको हटा दिया है, आप नया शब्द ले आए हैं उप। ठीक है, अब ये उप के दो अर्थ बता रहे हैं यहां पर, एक तो अधिके अधिक अर्थ में और हीन अर्थ में। तो यदि उप शब्द का प्रयोग अधिक अर्थ में या हीन अर्थ में किया जाएगा तो ये उप शब्द जो है वो कर्म प्रवचनीय हो जाएगा। ठीक है, अधिके हीने च द्योत्य उप इति अव्ययम्, ये जो उप अव्यय है ये प्राक संज्ञा माने कर्म प्रवचनीय संज्ञक हो जाएगा। अब देखिए बार बार कर्म प्रवचनीय नहीं बोलना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि पहले ही एक जगह बोल दिया कर्म प्रवचनीया, अब उसका अधिकार चल रहा है, तो सीधी सी बात है, नहीं तो हर जगह कहना पड़ता उपोधिकेच कर्म प्रवचनीया इस तरह से। तो ये अनुवृत्ति का फायदा है। ठीक है, प्राक संयम स्यात। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात हमें ये समझनी है कि आगे एक सूत्र और आता है सप्तमी विभक्ति में, जब हम जाएंगे वहां पर एक सूत्र आता है यस्माद अधिकम यस्य चेष्टवर वचनम तत्र सप्तमी, वहां पर अधिक के योग में अधिकता का जहां पर बताया जा रहा होगा वहां पर सप्तमी लग जाती है। तो सीधा सीधा इसका बाद हो गया कि उप शब्द का प्रयोग यदि अधिकता को बताने के लिए होगा तो सप्तमी लग जाएगी, तो यहाँ पर तो द्वितीया का बाद हो गया तो नहीं होगी, सीधी सी बात है। और हीन अर्थ को बताने के लिए कोई ऐसा सूत्र है नहीं, तो हीन अर्थ को बताएगा जब जब उप अव्यय, तब तब वहां पर द्वितीया लग जाएगी, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दिया है उप हरिम सुरा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अधिके सप्तमी वक्षते, अधिक के योग में सप्तमी लग जाएगी, और हीन को बताने के लिए एक ही बचा, फिर हीन दोनों अर्थों को बता रहा था पहले, एक का तो बाद हो गया कट गया और दूसरे को बताने लगा तो दूसरा बता रहा है, फिर उप हरिम सुरा। यहाँ पर भी अव्यय जो है ये हीन अर्थ को बता रहा है कि देवता लोग जो है वो हरि से हीन है, हरि से न्यून है, उनसे कमतर ही है। ठीक है, हरि से अधिक नहीं है, तो उप उपसर्ग क्योंकि उप अव्यय जो है यहाँ पर आया है तो जिसके लिए आया है, ठीक है, हरि के लिए आया है कि हरि से जो है देवता न्यू है, तो हरि में क्या लग गई? द्वितीया लग गई। ठीक है, तो बहुत सिंपल सिंपल सूत्र हैं, हमको बस समझना है इनको। तो जो है आज इतना ही करते हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है द्वितीया विभक्ति पूरी समाप्त कर देंगे, लगभग 6-7 सूत्र और बचे होंगे, तो अगले भाग में द्वितीया विभक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, कर्मकारक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, फिर हम अगले पार्ट में तृतीया से शुरू करेंगे। ठीक है, करण कारक को शुरू करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी प्रश्न आपके मन में आते हों या कोई भी संदेह आपका भी बचा हुआ हो तो जरूर आप कमेंट में जरूर पूछिए। वो 11 है उपसर्ग जो कर्म प्रवचनीय कहलाए जाते हैं, और उनके कुछ अपने अर्थ भी हैं, लगभग 22 उनके अर्थ हैं, पूरे अष्टाध्यायी में 11 ही कर्म प्रवचनीय हैं और 22 ही उनके अर्थ हैं, तो उनको मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा और पिन कर दूंगा, तो सबसे ऊपर आपको वही दिखाई देगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी प्रतिक्रिया जरूर हम तक साझा कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, नमस्कार।